कलमा कुफर तो नहीं होगा, कलमे कुफर है। कलमा कुफर है क्यों नहीं? कलमे कुफर है, खुदा के तो कोई मिजाज है ही नहीं है ना सर। अच्छा चले छोड़ दें, अभी आपको समझ आएगा। मैं आपको सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में जवाब देता हूं। अगर कोई शख्स के ये तुम्हारा शोर तुम्हारा मजाजी नबी है, नबी वास्ते तुहाड़ी रग भड़क दी, अल्लाह से नहीं भड़क दी, इस तू अंदाज लगा लो कि सब कॉन्टिनेंट ने तुहानू कैसी वेख्या जे मिनी ए मजाजी खुदा, मजाजी यानी मिनी खुदा नहीं हो सकता। ये खुद मिर्जा जूनियर जेल में एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ वो ये अकीदा भी देता है कि मिनी गॉड बन सकता है। जी जनाब किधर के हैं, करें बात। जी माजर साहब बोलो जरा। मेहर अजहर साहब जी। जी जनाब सलाम अलैकुम। मेहर अजहर साहब जी। वालेकुम सलाम, बोले जी। मेरा ये कहना सी अपन बहुत सारे जैसे बुजुर्ग ने दीन उन्हां नूं ही कहंदे कि इन्हां नूं इल्मे गैब आ, ये सब कुछ समझ दे आ। नहीं वो बाद में इतने थोड़ी रोशनी पाओ, ये भी वही चीज़ उसकी भी बातें भी ऐसी हैं। आप नीचे बैठ के सुने फिर जी, आप जब ना इधर है ना उधर है तो फिर नीचे बैठ के सुनिए आप। और कौन आया, और कोई वो जो पहले बंदा था वो किधर चला गया? वो आपको दे के भाग गया उस्ताद जी। अच्छा ये बंदा ये एक बंदा आया उस्ताद जी। जी जी करें जी करें। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? जी मोहसिन मेरा नाम है। मोहसिन साहब आप और मिर्जा ठीक है? मिर्जा सीनियर साहब के स्टूडेंट हैं या मिर्जा जूनियर साहब के स्टूडेंट हैं आप? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरा जो सवाल है मुझे सिर्फ उसका जवाब दे दे, मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ। नहीं नहीं वो ठीक है, कोई और सवाल मैं नहीं। सिर्फ न, मैं कोई, सिर्फ और, मैं सिर्फ और, एक मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, एक मिनट। कोई और सवाल नहीं, सुने तो सही ना आप, खाम खाई बीच में आके चलो जी। मेरा एक सवाल है, वो जो पहले सवाल हम लेके बैठे जो मौजू हम लेके बैठे उसको छोड़ दें, कर दो वीडियो खत्म करो यार, छोड़ो खत्म कर दो, खत्म कर दो, इन्हें तो सवाल सुन लो, हद हो गई है यार। वो जो सवाल हम लेके बैठे हैं वो किधर जाना है भाई? आप पहले बताइए, आप मिर्जा गुलाम कादियानी के फॉलोअर हैं या मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर हैं? बताइए, थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं जी, ओपन करें अब माइक। अच्छा सर अगर मैं बोलूं कि मैं जूनियर का हूं तो फिर? अब आज ठीक है उसके के नहीं, हाँ या ना? के बैठे जाओ, किधर जाना है भाई? मेरा ये सवाल है, कमाल हो गई है। ए मुफ्ती सैयद जैनुल आबिदीन शाह साहब भी आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम क्या सवाल क्या था और क्या आज का उनवान क्या है, मौजू क्या चल रहा है? मैं भी आया हूँ जी। मौजू चल रहा है जी इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेलमी लेगा कि अल्लाह उसको मिनी खुदा बना देगा, उसको कुन फयकून की सलाहियत दे देता है। बसा औकात ये भी होता है कि उस जन्नत के अंदर सॉरी दुनिया के अंदर भी उसको मिल जाती है ये चीजें। दुनिया के अंदर भी मिले, ये एक आदि यानियों का कीदा था।
तो जन्नत के अंदर भी मिल जाती है, दुनिया के अंदर मिल उसको रहमतुल्लाहि व बरकातु। हजरत क्या ले, ठीक है, खैरियत से, तबीयत अच्छे? वालेकुम सलाम। हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, आप सब आलिम दीन है, मैं आपके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हूँ, आप हमारे सरों के ताज हो, आपने यहाँ पे बैठे खत्म नबूवत का दिफा करते हो। सब मुसलमानों से ये कि भाई आप उलमा के साथ बैठे, ये अहम मसला है, खत्म नबूवत के ऊपर अपनी जान औलाद सब कुछ कुर्बान करना है। इन कादियानियों खंजीरों को जिधर भी मिले ना, मैं तो बोलता हूँ खुदा की कसम इनसे सर काटना चाहिए सर। एक वो जो गुलाम अहमद कादियानी लाइन मोड़ था, टट्टी का के मारा था ना, टट्टी का के मारा था। जिधर भी मेरे को कादियानी मिलेगा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, फी सबीलिल्लाह उसका सर कलम करूँगा। गाजी अलमुद्दीन बनो, गाजी मुमताज कादरी बनो, गाजी खालिद फैसल बनो, जितने मुसलमान हैं बनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा फ़र्ज है, जिस तरह हम लोग के ऊपर नमाज फ़र्ज है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा भी हम लोग के ऊपर फ़र्ज है। और हजरत आपकी उम्र में अल्लाह पाक बरकत डाले, माशाल्लाह आप यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। जो बंदा जिस शोबे में हमारे आलिम है, जिस मसलक से भी है, वो दिफा कर रहे हैं, हम सब मुसलमानों को चाहिए उनको सपोर्ट करें। और कुछ नहीं कर सकते, इनके हजरत की हौसला अफजाई करेंगे तो यूँ रोज आना आएंगे। अब हम तो अनपढ़ जाहिल लोग, हमें तो इल्म इम का इतना पता नहीं है, हम इनके हौसला अफजाई करेंगे, ये आएंगे, हम कहेंगे, हमसे कोई पूछेगा भाई मुफ्ती साहब बैठा हुआ है, दलील करना, पहले तो इन मुर्तदों के साथ बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खंजीर के बच्चे, ये काफिर है, और काफिर के साथ बात ही नहीं करना चाहिए। जजाकल्ला हजरत, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। हमारे लायक कोई खिदमत है, हरम शरीफ से बात कर रहा हूँ मक्का से, तो बिल्कुल आपका भाई ताबेदार है। आप खान साहब दुआ करिएगा हमारी हरम, जरूर जरूर। अल्लाह पाक उलमाओं को जिंदा, आप लोग को इलम में, उम्र में बरकत डाले। आप लोग हैं तो हम लोग सीना तान करके हम लोग छोड़े घूमते हैं, उलमा हैं तो हमारे सीने छोड़े हैं, उलमा नहीं तो हम कुछ भी नहीं भाई, हम उलमा के पाँव के खाक के बराबर, हम उनके गुलाम है, ताबेदार हम 24 घंटे। जजाकल्ला, आप ना नीचे बैठ के खान साहब, जजाकल्ला, ओके हजरत, सलाम, नए किसी कॉलर को हम, जजाकल्ला, ओके सर, ओके सर, के बहुत शुक्रिया। खान साहब ने अभी एक बात की थी, तो ये मैं बीच में डिस्क्लेमर चला दूं भाई, तवज्जो से सुनिए। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौकफ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं, और जरूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौकफ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौकफ के जिम्मेदार नहीं। नहीं, ठीक हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब पे एक कॉलर आए हैं, उनको भी लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जी शहजाद साहब, जी शहजाद साहब, माइक ओपन करें, बोलिए। जी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप जी जी, मैं आपका शागिर्दी हूँ, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसको हमें जितना टाइम चाहिए देखना चाहिए, जब भी टाइम मुझे वक्त मिला तो मैंने ज्वाइन कर दिया। कोई सवाल, कोई बात, कोई करेंगे? नहीं सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिर्फ सिमात करेंगे। अच्छा चले, फिर नीचे बैठ के सुनिए, कोई सवाल
आप कोशिश करें कि यूट्यूब पे चले जाएं ना, ये स्ट्रीम यार्ड होती है सिर्फ कॉल करने के लिए, कोई सवाल जवाब या इसके लिए जी। और इधर टिकटॉक पे जो कोई कॉल करना चाहते हैं तो ब्राय मेहरबानी, जो मिर्जा इंजीनियर के बारे में सवालात करना चाहते हैं या उसके ऊपर उसका दिफा करना चाहते हैं तो वो कॉल करें लाजमी, लेकिन जो अपने भाई ना वो जरा अभी इंतजार अभी करें। मेहरबानी अभी यार ये मर्दियों से और कादियानियों से हमें दो हाथ करने दें, तो अभी मुसलमान हमारे दोस्त कोशिश करें कॉल ना करें, मेहरबानी। आओ भाई कॉल करो भाई, चलो निकलो मैदान च, निकलो भाई निकलो। अच्छा अब ये अकीदा जो चला है, ये अकीदा चला है जनाबे मन कादियानियों से। मैं अब वीडियो यहाँ पे चलाने लगा हूं, उसके अंदर तमाम हवाला जात दिए हैं, ये आप जरा देखिएगा। और वीडियो का नाम हमने रखा है मिनी खुदा का कादियानी अकीदा, ये वीडियो का नाम है, इसके अंदर सारे वो हवाला जात हैं। उस्मान साहब आए हैं जी, कोई बात करना चाहते हैं मोहतरम? नहीं जनाब, मुझे रिक्वेस्ट आई थी। फिर कोई बात नहीं करनी तो नीचे बैठ के सुने, फिर रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैंने एक्सेप्ट की है। नहीं कोई बात करनी है तो कर लें, नहीं तो फिर नीचे बैठ के सुन आप कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना आपकी। अच्छा नीचे बैठ के, नीचे बैठ के, नीचे बैठ। अच्छा जी ये दलाइल सुने जी। ये देखिए ये पहला हवाला है अनवारुल उलूम जिल्द 17 है, और कादियानियों के खलीफा है जानी, दो नंबर खलीफा, उसका ये रिसाला है उसवा हसना, सफा नंबर 75। वो जनाब उन्वान ये बांधता है नजात, अल्लाह ताला की सिफात अपने अंदर पैदा करने का नाम है। मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये जो अकीदा पेश किया है यहां से किया है, सेम वो यकीदा यहां पर लिखा हुआ है। कादियानी ये कहते हैं कि देखो जी 60 साल की उम्र अल्लाह को दे दो दुनिया के अंदर, तो जन्नत के अंदर अल्लाह तुम्हें जाके मिनी गार्ड बना देगा, कौन फयाकून की सलाहियत दे देगा, और दीगर उसकी जो सिफात है वो तुम्हें मिल जाएंगी, अल्लाह की जितनी भी सिफात है, जैसे हई की सिफत है हमेशा जिंदा रहना, ठीक है, तो वो भी सिफत मिल जाएगी, और जितनी भी अल्लाह की सिफात है वो तुमको मिल जाएंगी। यहाँ पर एक कॉलर आए हैं, उनको भी लेते हैं जी। क्या नाम है जी मोहतरम? अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे आए हैं कॉलर जी। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ता मुजम्मिल शहजाद खान मेरा नाम है जी। अच्छा, मैं लाहौर से अदर असफिनतुल इस्लाम आपका खादिम हूं जी, शागिर्द आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी मुद्दत है आपको दोबारा मिलने का शौक था सर। अच्छा जज़ाकअल्लाह, आज आपसे मुलाकात हो गई जी। तबीयत आपकी ठीक है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा एहसान सर जी, अल्लाह का बड़ा करम, आपकी दुआओं से जी बस जी रहे हैं। माशाल्लाह, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इस्तेकामत अता फरमाए जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल कोई बात करेंगे कि मैं आगे गुफ्तगू करूं? नहीं आप गुफ्तगू करें सर, मैं सुन रहा हूं आपसे। हां जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया सर, जजाक। अच्छा जी ये देखें, ये अकीदा कादियानी किताबों के अंदर लिखा हुआ था, जो मिर्जा जूनियर जेलमी ने रीन्यू करके पेश किया, और ये वही चीजें हैं कि जो 1974 की असेंबली के अंदर डिस्कस हुई थी। हाँ, अगर कादियानी इन अकीदों की बना पर गैर मुस्लिम करार दिए जा सकते हैं तो फिर मिर्जा जूनियर जेल में क्यों नहीं, सवाल है। ओ भाई यही अकीदा जब मिर्जा कादियानी कहे तो वो काफर मुर्तद, और जब यही चीज मिर्जा जूनियर जेल में कहे तो वो जनाब मुस्लिम इल्मी किताबी, बहुत बड़ा मुसलमान जी। ये एक सवाल है हमारा, और कोई आए सामने आके इसका जवाब दे दे। आगे दलाइल सुनेंगे। ये
यही बात मिर्जा गुलाम कादियानी ने रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफा 564 के ऊपर की है। वो कहता है वरई तुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह वत यकन तू अन्ननी हुआ। वो कहता है कि देखो जी मैंने अपने मनाम के अंदर अपने आप को अल्लाह बने देखा अल्लाह, और मैंने फिर यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूं। कादियानियों से इस इबारत के मुतलक पूछे जाइए, किसी कादियानी से ही पूछ लें। वो कहते हैं कि ये मजाजी तौर पे अल्लाह है मिर्जा कादियानी, मिनी गॉड है, छोटा खुदा है, बड़ा कहता है मैंने अपने एक कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूं और यकीन किया कि वही हूं, मैं खुदा ही हूं। अच्छा ये जो दो हवाले मैंने दिए हैं ना, पहला हवाला था अरबी के अंदर और ये हवाला है उर्दू के अंदर, इन फिर मैंने कहा अब दुनिया को सजाया जाए। फिर मैं दुनिया की तरफ आया तो दुनिया बनाई, ये पहाड़ बनाए, ये खित्ते बनाए, ये दरिया बनाए, समुंदर बनाए। फिर मैंने कहा आदम को अब पैदा किया जाए, फिर मैंने आदम को पैदा किया, फिर मैंने इंसानियत को पैदा किया। ये है कादियानी अकीदा मिनी गॉड का, छोटा खुदा, समझ आई कि नहीं? आगे सुनिए। यही बात वो मिर्जा जूनियर जेलमी ने जो की थी कि तुम्हें कुन फयकून की सलाहियत अल्लाह दे देगा, ये मिर्जा कादियानी ने की थी। यही बात 1974 की असेंबली के अंदर डिस्कस हुई थी, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 714। और मुसलमानों आंखें खोलो, तुम्हें कादियानी अकीदा दोबारा पढ़ाया जा रहा है और तुम्हें कादियानी बनाया जा रहा है। मुसलमानों आंखें खोल लो और खुदा वास्ते आंखें खोल लो, लित्तर मारो इन मिर्जा जूनियर जेलमी नु, ओए इसकी फेवर ना करो, ये कादियानी है, ये तुम्हें कादियानी बना रहा है। मुसलमानों मेरी बात याद कर लो, फिर ना कहियो किसी मौलवी ने सानू दसिया नहीं सी। ओ मुसलमानों मुझे 25 साल कमो बेश हो गए हैं, ओए हम कादियानियत को जानते हैं, मुसलमानों तुम्हें तो पता ही नहीं है कादियानी अकीदा क्या है। मिर्जा जूनियर जेल में तुम लोगों को कादियानी अकीदा पढ़ा रहा है, कादियानी अकीदा पढ़ा रहा है, कादियानी अकीदा सिखा रहा है और तुम्हें कादियानी बना रहा है। अच्छा मेरा आज स्टाइल मुझे लग रहा है इमरान खान वाला स्टाइल है आज, है ओए माशाल्लाह जोरे वाला शहर है, इमरान खान वाला स्टाइल है कि नहीं? वो भी हां जी बोल दे माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए मुसलमानों इमरान खान से ना तश है ने मुबशर खान मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ तशबीह ना दें, वो तो आप
तो जी जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, वो मैं ये समझता हूँ कि आपके टूटे जूते के बराबर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको जो शान जो इज्जत मकाम मर्तबा बता दी है जी। बहरहाल आज मजा आ रहा है बहरहाल। अच्छा जी फिर वो कहता है रूहानी खदान जिल्द 22 सफा 714 इन्नमा अमरुका इजा अरता शैयन अंतकूल लहू कुन फयकून। वो कहता है मेरे खुदा जल्लाश ने मुझे ये वही नाजल की है कि ए मिर्ज़े कादियानी, ओए मिर्ज़े कादियानी जब भी तू किसी चीज का इरादा करे तू बस कुन कहा कर तो फयकून वो काम हो जाया करेगा। ओए मुसलमानों जागो, ओए मुसलमानों जागो, ओए सोए हुए मुसलमानों जागो। वो तुम्हारे अकीदे नजरिए को बर्बाद कर दिया मिर्जा सीनियर ने, मिर्जा जूनियर ने। सूरा अल बकरा आयत 117 के अंदर अल्लाह फरमाता है बदी उस समावादी वल अर्दी वाइजा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। हाय 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 यही चीज वो सूरह आले इमरान आयत 47 के अंदर कहते हैं, यही चीज सूरह आले इमरान आयत 59 के अंदर कहते हैं, यही चीज सूरह अल अनाम आयत 73 के अंदर वो कहते हैं, यही चीज वो सूरह अन्नहल आयत 40 के अंदर कहते हैं, यही चीज सूरह मरियम आयत 35 के अंदर कहते हैं, यही चीज सूरह यासीन आयत 82 के अंदर कहते हैं, यही चीज सूरह गाफिर आयत 68 के अंदर कहते हैं। इन्नमा अम्रहु इजा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून सूरह यासीन के अंदर। और ये कुन फयकून की सलाहियत, ये अल्लाह की सलाहियत है और ये नबियों के पास भी नहीं है, ना दुनिया में ना जन्नत में, और ये अल्लाह की सिफते खास है। मुसलमानों जागो, और जागो मुसलमानों, नो आर नेवर, नहीं जागो अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे मुसलमानों। और तुम्हें कादियानी बनाया जा रहा है, तुम्हें कादियानी मुर्तद बनाया जा रहा है, तुम्हें काफर बनाया जा रहा है, तुम्हें वो क्या कहते हैं इंग्लिश में स्लो पॉइजन, मीठा जहर की कहते हैं, स्वीट पॉइजन, नहीं नहीं स्लो पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग। यार इंग्लिश मेरी कमजोर है, नाराज नहीं होनी। तो वो तुम्हें जहर दे रहा है, और जहर दे रहा है ये सबसे बड़ा कादियानी है, वो सबसे बड़ा कादियानी है। ये सोची समझी प्लानिंग है, ये मिर्जा मफरूर, मिर्जा मफरूर जो कादियानियों का खलीफा थॉमस है उसका करिंदा है ये। और तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा ईमान किस तरीके से लूटा जा रहा है। मुसलमानों तुम्हारे बच्चों के ईमान लूटे जा रहे हैं, बचा लो अपने बच्चों के ईमान, अपने ईमान बचा लो। और आज भी मिर्जा जूनियर जेलमी के जो हमायती खड़े हैं आपको नजर आते हैं, ये कादियानी है, पिछे पर्दा कादियानी है, राफजी है, एथियस्ट दहरिया तबका है, जो इस्लाम दुश्मन है ये लोग। अच्छा जी आगे सुनिए जरा। ये लो जी यही चीज उसने रूहानी खजान जिल्द 21 सफा 123 के ऊपर कही है। कहता है यानी मोहब्बत इलाही इस कदर अपने अंदर भड़काओ कि खुद इलाही रंग इख्तियार करो। मोहब्बत इलाही इतनी आ जाए तो खुद इलाही बन जाओ, इलाही रंग मतलब खुद ही अल्लाह ही बन जाओ तुम। याद रखना चाहिए कि खुदाए ताला से कमाल मोहब्बत की यही अलामत है कि मुहिब अपने जिली तौर पर इलाही सिफात पैदा कर जाता है, हो जाए उसके अंदर मुहिब पर इलाही सिफात पैदा हो जाए। कैसा मुमकिन है?
खुद अल्लाह ही बन जाओ। ओ बताओ ए शिर्क और किसको कहते हैं? आगे वो कहता है जब तक ऐसा जहूर में ना आवे तब तक दावा मोहब्बत झूठ है। मोहब्बत कामिला की मिसाल भी ऐन ही लोहे की वो हालत है कि जब वो आग में डाला जाए और उस इस कदर आग उसमें असर करे कि वो खुद आग बन जाए। वो देख ले कहता खुद अल्लाह ही बन जाओ। मोहब्बत ऐसी करनी है खुद अल्लाह ही बन जाओ। बताइए शिर्क और किसको कहते हैं? यही है शिर्क। याद रखिए यहां पे चलो मुफ्ती साहब भी बैठे हैं तो इनसे भी बात करेंगे तफसील इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि शिर्क क्या है। मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूं शिर्क वो कहते ना आप एक लफ्ज बोलते हैं मेरा शरीक ये मेरा शरीक है। शरीक असल में ये बड़ी कमाल की चीज है दुनियादारी के अंदर। दुनियादारी के अंदर भाई को कहते हैं शिरकत हो जिसमें की नसब के अंदर शिरकत तुम्हारी विरासत के अंदर शिरकत हो। ये तो बड़ा एक प्यारा लफ्ज था बड़ी प्यारी चीज थी शरीक। ये मेरा शरीक है ये मेरा भाई है। शरीक मीन भाई यानी जैसा मैं हूं वैसा ही ये है। लेकिन इन्होंने लोगों ने फिर इसको शरीक को गलत मानों के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ये एक अलग चीज। अब शिर्क जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है ये क्या है? वो ये है कि अल्लाह ये है अल्लाह। अच्छा ये उंगली ये शहादत की उंगली ये दाएं हाथ की शहादत की उंगली है बाएं हाथ की ये वाली उंगली ये एक जैसी है कि नहीं है? ये दाएं हाथ ये बाएं हाथ ये एक जैसे है कि नहीं? तो ये हाथ इसका शरीक है और ये हाथ इसका शरीक है ये है शिर्क। तो बिला तमसील अल्लाह की जगह के ऊपर एक और जातो सिफात का ऐसा हामिल एक शख्स या कोई हस्ती या कोई कायनात की किसी चीज को भी लेके आ जाना ये है शिर्क। सेम वही जात वही सिफात वही सारी चीजें ला के किसी दूसरे के अंदर डाल दो इसको कहते हैं शिर्क। इसके अलावा शिर्क नहीं होता याद रखिएगा। आज ये शिर्क का लफ्ज इतना आम हो गया है छोटी छोटी बात पर ये शिर्क वो शिर्क ये नहीं होते। शिर्क ये नहीं होते याद रखिएगा। कब्र को सजदा करना गुनाह है गुनाह है शिर्क नहीं है। हाँ ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा सारे मुफ्तियाने करम किसी से भी जाके पूछ लें वो आपको बताएंगे। शिर्क ये उस वक्त बनेगा जब कब्र वाले को वो अल्लाह समझ रहा अल्लाह जात और सिफात मुकम्मल वो कह रहा है ये है अल्लाह है ये हाँ फिर शिर्क होगा। लेकिन वो अल्लाह नहीं समझ रहा अल्लाह की मखलूक समझ के वो अपनी जहालत की बना पर सजदा कर रहा है तो ये शिर्क नहीं होगा गुनाह जरूर है गुनाह इसको कहेंगे ये गुनाह किया है इसने शिर्क नहीं है। शिर्क एक अलग चीज है। शिर्क है कि ऐसी हस्ती जो तुम्हारे सामने है वो हूबहू उसको अल्लाह ही समझ लो जात के अंदर सिफात के अंदर तमाम कमालात के अंदर तो वो ही अस्थि अगली को समझ लो जब तो ये होता है शिर्क। इसके अलावा शिर्क नहीं है समझ आई कि नहीं? तो हकीकी जो शिर्क है वो ये है कि अल्लाह पाक की जात और सिफात किसी दूसरी अस्थि में कामिल तौर पे तुम समझो। अच्छा तो मिर्जा कादियानी जो कह रहे हैं ना और मिर्जा जूनियर ये खालस शिर्क है। वो कहते हैं इलाही रंग ही इख्तियार कर लो तुम। वो फिर आग की मिसाल देते हैं कि आग इतनी अपने अंदर भड़काओ कि खुद आग बन जाओ आग और खुद भी आग। तो ये है शिर्क। ये शरीक हो गया ये शिर्क हो गया ये हम पल्ला हो गया ये बराबर हो गया बराबर बराबरी की सतह के ऊपर ये है खालस शिर्क। समझ आई कि नहीं? अच्छा जी
अगला हवाला सुनिए जी। नहीं आती है, सिर्फ म्यूजिक आ रहा है। मुफ्तिसा पढ़ के सुना। अच्छा जी, ये अगला हवाला है रूहानी खजान जिल्द 22 सफा 108 के ऊपर। मिर्जा कादियानी कहता है इन्नमा अमरुका इजा अरत्ता शैअन अन तकूल लहू कुन फयकून। नीचे तर्जमा भी लिखा है। वो कहता है क्या मिर्जे कादियानी, मिर्जे कहता है मेरे ऊपर वही नाजल हुई है, क्या मिर्जे कादियानी जब भी तू किसी चीज का इरादा किया करे तू बस कुन कहा कर, फयकून वो काम हो जाएगा। बताइए ये सिफते खास थी अल्लाह की, कुन फयकून की ये सिफते खास थी मेरे अल्लाह की, अल्लाह वहदहू ला शरीक की। वो मिर्जा जूनियर भी कहता है कि ये इंसान को ये सिफत मिल सकती है, मिर्जा सीनियर भी कहता है ये इंसान को मिल सकती है। बताओ शिर्क किसको कहते हैं? और बताओ मुसलमानों शिर्क और किस चीज का नाम है? वो अखा खोलो मुसलमानों, ये शिर्क है। और मिर्जा जूनियर जेल में मिर्जा सीनियर तुम लोगों को मुशरक बना रहे हैं, और शिर्क से बच जाओ मुसलमानों। आगे हवाले सुने जी, ये ले जी रूहानी खजान जिल्द 21 है सफा 124। मिर्जा कादियानी कहता है मोहब्बत इलाहिया की हकीकत यही है कि इंसान उस रंग से रंगीन हो जाए। मेरे सिग्नल ड्रॉप हुए हैं, रेड सिग्नल हो गए हैं। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है उस्ताद। हेलो जी, जी आ रही है। अब बता देना सिग्नल मेरे रेड हुए थे अभी। अच्छा कैसा बाप चली गई आवाज पहले आपकी? सारे आ रही है। कहता है मोहब्बत इलाहिया की हकीकत यही है कि इंसान उस रंग से रंगीन हो जाए, जो रंग अल्लाह का है वो ही रंग उसके अंदर आ गया तो ये शिर्क ना हुआ? बताए उस रंग में रंगीन। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह का रंग है लाल, यही लाल रंग इंसान के अंदर आ गया तो ये शिर्क ना हो गया, बराबरी ना हो गई? मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये शिर्क है, खाला शिर्क है। आगे कहते हैं अफसोस बाद नदानों ने अबूदियत के उस ताल्लुक को जो रबूबियत के साथ है जिससे जिल्ली तौर पर सिफात इलाहिया बंदा में पैदा होते हैं ना समझ कर मेरी इस वही मिन अल्लाह पर इतराज किया है कि इन्नमा अमरुका इज़ा अरादता शैअन अन तकून लहू कुन फयकून। यानी तेरी ये बात है कि जब तू एक बात को कहे वो हो जा तो वो हो जाती है। ये खुदा ताला का कलाम है जो मेरे पर नाजल हुआ और ये मेरी तरफ से नहीं है। वो कहता है कि ये अल्लाह का कलाम मेरे ऊपर नाजल हुआ है, अल्लाह ने मुझे कहा है ये। आगे सुने अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 60 साल की इसने बात की थी कि अल्लाह कहता है 60 साल की मुझे उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा, जबकि हदीस इसकी नफी कर रही है। हदीस कहती है कि ये ऐसा नहीं है। किताब का नाम है सहीहुत तरगीब व तरहीब और सफा नंबर इसका हदीस नंबर सफा 176 है, गालबन 176, हदीस नंबर 529 है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इन्नर राजुला ला युसल्ली सित्तीना साना, एक शख्स है वो 60 साल तक नमाजें अदा करता है। 60 यार माइक किसी का ओपन हुआ है, 60 साल तक इबादत करता है, अल्लाह की रियाजत करता है। हुआ ये कि उसकी कोई नमाज भी कबूल नहीं होती, यहां तक कि वो रुकू को ना ही तो रुकू मुकम्मल करता है
ना ही वो सजदे को मुकम्मल करता है और तो वो रुकू और सजूद मुकम्मल नहीं करता, तो उसकी इबादतें कबूल ना होने की वजह हदीस के अंदर बताई है। अब मुझे बताइए, मिर्जा जूनियर जेलमी तो ये कह रहा था कि अल्लाह ने कहा जी 60 साल की मुझे उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा, कौन फैया कौन की सलाहियत दे दूंगा। और मैं कहता हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है ना मुफ्ती साहब, हजरत उम्र हजरत अबू बकर सिद्दीक की गालबन उनकी 65 साल उम्र है शायद। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और मौला सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, इन दोनों की उम्र मुबारक 63 साल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाहरी हयात मुबारक थी उसके बराबर हुई है जी। सुबहान, चलो जी। और मैं कहता हूँ कि अंबिया के बाद अच्छा सारे नबियों में से अफसल नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारी इंसानियत में से अफसल तरीन जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है, फिर उसके बाद हजरत उमर फारूक का नंबर आता है, फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का नंबर आता है, फिर उसके बाद मौला कायनात का नंबर आता है। और मैं कहता हूँ इनकी भी 60 साल उम्र हो जाती, मुझे नहीं पता कि हजरत मौला अली की या इमाम हजरत उस्मान गनी की उम्रें कितनी है, कोई पता है आपको तो बता दें ताकि वो रिकॉर्डिंग पे आ जाए। सैयदुना हजरत उस्मान गनी जुनुरा रदी अल्लाह ताला 70 से आपके सिग्नल बिल्कुल ड्रॉप है और आवाज नहीं है, आवाज से नहीं आ रही। तो बहरहाल हम एक देखना चाहें तो देख सकते हैं, गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर इनकी भी 60 साल उम्र हो जाती तो मिनी खुदा तो ये भी नहीं थे, ओए ना ही कोई नबी मिनी खुदा, ना मेरे हजूर मिनी खुदा, ना कोई साबी मिनी खुदा, कोई मिनी खुदा नहीं, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, खुदा है वही जो अल्लाह अकबर है, बस वही है, उसके मद्दे मुकाबल कोई भी नहीं है। तो ये जाहिल का बच्चा कह रहा है वो दुनिया के अंदर तुम 60 साल की उम्र दे दो तो अल्लाह तुझे मिनी खुदा बना देगा। वो शिर्क और किसको कहते हैं बताओ, वो शिर्क और किस चीज का नाम है, वो ये शिर्क है। ओए मुशरिकीन जेलम बच जाओ, ओए तौबा कर लो, इस्तगफार कर, लानत पा रहे हो मिर्जा जूनियर जेलमी ते। वो मुशरिकीन मक्का के मद्दे मुकाबल मुशरिकीन जेलम और जेलमी मुशरको, और तौबा कर लो, ए और तौबा कर लो, रजू कर लो, और लानत पा दियो मिर्जा जूनियर जेलमी ते। आगे हवाले सुने, जबकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, हाय हाय वो अल्लाह जो है ना वो एक है, यक्त है, कल्लम कल्ला, कोई उसके मद्दे मुकाबल नहीं है, है ही नहीं, ना है ना मुमकिन है, इमकान भी नहीं। अच्छा ये याद रखिएगा, वो जो कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, वो हर चीज के ऊपर कादिर है, उससे मुराद अगर किसी ने ये इमकान साबित किया कि अल्लाह चाहे तो अपने मद्दे मुकाबले एक और अल्लाह पैदा कर सकता है, वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है, वो मुशरक है जिसने इमकान भी जाहिर किया कि अल्लाह चाहे तो अपने जैसा एक और खुदा पैदा कर दे। आपको पता है ये तो इमकान अलूहियत है, वो इमकान मुहम्मदिया के ऊपर अल्लाह फाजले बरेलवी का कुफर का फतवा है, पता है क्या नहीं पता? आज ये कहना तो बड़ा आसान है कि अल्लाह ने फला फला मौलवी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि उसकी वजह क्या थी, क्योंकि फतवा लगाया क्यों था, मौलवी ये कह रहा था कि अगर अल्लाह चाहे तो हजारों मोहम्मद पैदा कर दे, वो इसी इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर के तहत वो कह रहे थे अल्लाह अगर चाहे अल्लाह तो हजारों मोहम्मद पैदा कर दे, अल्लाह कहते थे नामुमकिन है,
अल्लाह पाक हसनात के ऊपर कादिर है, अल्लाह कबीहात के ऊपर कादिर नहीं है। अल्लाह मुमकिनात के ऊपर कादिर है, महालात के ऊपर कादिर नहीं है। ये महालात में से है। ये उलमा मेरे सामने बैठे हैं, उलमा इस चीज को समझते हैं, ये इल्मी बहसें हुई हैं। हाँ, तो अल्लाह की जो कुदरत है वो मुमकिनात के मुतकाजी है, वो हसनात के मुतकाजी है, ना के नामुमकिनात, महालात, कबीहात, सय्यात के मुतकाजी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जिसने ये इमकान जाहर भी किया, रत्ती बराबर भी, काफर हो गया। समझ आई कि नहीं आई? यही अकीदा मैं एक दिन वो बयान कर रहा था, तो वो 151 की टीम के जो मुफ्ती साहब हैं, जिन्होंने वो, पता है वो नाम, मैं नाम नहीं लेता, तो मीन साहब, नाम नाना लाया तुम, तो वो चीखो पुकार उन्होंने कर दी, वो सिर्फ कादियानियों की सपोर्ट करने के लिए, बस कहने लगे ये देखो मुफ्ती बशर ने ये फतवा क्या दे दिया है ना। वो असल ये है, बिल्कुल मुफ्ती साहब, बात ये है कि अब तो यहां पे तो रोले ये पड़े हैं कि मुफ्तियों को खरीद लिया इन कादियानियों ने, वो मुफ्तियों को खरीद लिया कादियानियों ने, वो उनके अल्लाहकार बन गए ये मुफ्ती। तो यहां पे कोई नाम के आगे मुफ्ती लिखा हो तो ये इतनी जल्दी घायल नहीं हो जाना, ओए वो बहुत बड़ा इसका कोई अकीदा है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, टना टन है, ना ना बड़े रोले हैं, बड़े रोले, अखा चार रख के ये अब नए ड्रामे शुरू हो गए हैं। हाँ, टन टन अकीदा चाहिए, टन टन रत्ती बराबर अकीदे में इधर उधर हो गया, चल निकल निकल यहां से, कोई नहीं असी नहीं तेन मनते। समझ आई कि नहीं आई? अकीदा बचाओ। ये वो ही दौर आ गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुखबिर सादक ने खबर पहले दे दी थी कि एक वक्त वो आने वाला है, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और मफहूम है एक रवायत का, कहा सात कोठरियों के अंदर भी छुप के अगर तुम्हें ईमान बचाना पड़े तो बचा लेना, ईमान बचाना। वो दौर आ गया, ओ भाई ईमान बचाए, ईमान बचाओ, है मुसलमानों ईमान बचाओ अपना। और कहा था कून उमा स्वाद यकीन, इन सच्चे लोगों के साथ साथ रहोगे कुछ भी नहीं होता। जमात के साथ रहना, कल्ली कल्ली दो दो इंच की मसीत ना बना लेना, जमात के साथ रहना। और ये दुआ करना पांच टाइम नमाज के अंदर, एह दिन सिरात अल मुस्तकीम, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह जिनके ऊपर मुझे सीधे रास्ते पे चला, रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। और इनाम किनके ऊपर हुआ है? अनअमता फेल माजी का सीगा है, यानी गुज़श्ता जमाने में तूने इनाम कर दिया हुआ है। और यही गुज़श्ता जमाने की जिक्र अल्लाह सूरह अन्निसा आयत 69 के अंदर करता है। अल्लाह कहता है मैंने इनाम कर दिया हुआ है अंबिया के ऊपर, रसूलों के ऊपर, शोहदा के ऊपर, सालेहीन के ऊपर, ये है सारे नेक लोग, औलिया अल्लाह, अंबिया और रसूल, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, हमारे फुकहा, हमारे औलिया अल्लाह, ये है बाबे बुजुर्ग, इनके ऊपर इनाम। अल्लाह कहता है इनके रास्ते के ऊपर चलना, बस इनके रास्ते पे चलोगे सही रहोगे। और इन्हीं जिनके रास्ते पे चलने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था, आज मिर्जा जूनियर जलमी कहता है बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और। ओ भाई जिनके रास्ते पे चलने का अल्लाह कह रहे, वो कहते बाबों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ बाबों को छोड़ दो, ओ भाई उनको छोड़ दे, अल्लाह हम अल्लाह की माने, तेरी बात माने, बात माननी किसकी है हमने, ये ना बेहतर ही तेनू ही असी लित्तर मारिए है, पैदा लम्मे मिर्जा जूनियर जेलमी।
आगे सुनिए जी। सूरह अन्नहल के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकाल अल्लाहू ला तत्ताखिज़ू इलाहैनी इस्नैनी। वो कहता है कि और अल्लाह ने फरमाया कि दो खुदा ना ठहराओ, इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, और वो अल्लाह तो एक है। वो एक क्या, वो एक क्या, दो अल्लाह हो ही नहीं सकते। इलाहैन निश्ता नहीं हो सकते, है ही नहीं। इला, इला का मतलब होता है खुदा, इला का मतलब होता है खुदा, और मिर्जा जूनियर जेल में ये कहता है मिनी खुदा। वो दो खुदा नहीं हो सकते, अल्लाह कह रहा है। बताए मिर्जा जूनियर की माने अल्लाह की माने, बताइए। तुम कलमा जो पढ़ते हो उसके अंदर भी खुदाई की नफी करते हो, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है, कोई इलाह नहीं है, मगर अल्लाह, एक ही अल्लाह है, और कोई इलाह नहीं, और कोई खुदा नहीं, खुदाई की नफी करते हो। मिर्जा जूनियर जेलमी ने उस कलमे का तोड़ ये निकाला कि तुम्हें मिनी खुदा बनाएगा। अच्छा आगे सुनिए, सूरह शुरा के अंदर अल्लाह फरमाता है, लैसा कमिस्लिही शय, उसकी मिसल कोई शय नहीं है, कोई उसकी मिसल नहीं है। ये कुछ हवाला जात हमने दिए और कादियानी किताबों से आपको साबित किया। मजीद अभी डिबेट शुरू करते हैं, और यूट्यूब पर भी एक कॉलर आए हैं, उनको भी लेते हैं, और साथ टिकटॉक के ऊपर भी कॉलर आए हैं, इनको भी लेते हैं। डबल टैप करें, शेयर करें भाई, डबल टैप करें, शेयर करें जी। ये इमरान साहब आए हैं जी, इमरान साहब। सलाम अलैकुम शाह जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह आपका दर्स सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये सारे मामला जो आप हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मिर्जा जूनियर जेलमी और मिर्जा कादियानी के बारे में, ये दोनों लाइन है, इनके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे लिए बहुत अहम है। ये इंफॉर्मेशन हमें समझना चाहिए इन चीजों को, और मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। माइक म्यूट करके बैठ जाए ताकि यहाँ से कॉलर ले लें। कोई कॉलर आए हैं भाई टिकटॉक के ऊपर? नहीं, हेलो, वो सारे सो गए हो जी? लबैक लबैक हुजूर जी। जी कौन जी बोले जी, बात करें जी। सद्दाम हुसैन कादरी अर्ज कर रहा हूँ हुजूर जी। जी सूफी सद्दाम हुसैन कादरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुफ्ती साहब आपका प्रोग्राम देख के सुकूनी कल्ब, दिल को कल्ब को भी सुकून मिला, और माशाल्लाह आपका चेहरा भी देखा है, और बहुत आपके प्रोग्राम यूट्यूब पे और काफ़ी जगह पे सुने हैं, और दीन को बहुत फ़ायदा हो रहा है आपका, और इस तरह देख के भी बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये न्यू कादियानी का रद्द करें, हर कोई करे। मेहराबो मिंबर पर आवाज उठाइए मुसलमानों, उठाओ, नहीं तो याद रखो मुसलमानों, एक वक्त आएगा फिर तुम लोगों को असेंबली लगानी पड़नी है मिर्जा जूनियर जेलमी के बारे। अभी तो तुमने असेंबली लगाई थी मिर्जा कादियानी के बारे, एक वक्त आने वाला है, याद रखना मेरी बात, लिख लो, अभी इसका रद्द करो, अभी सारे मुसलमान मिलके इसका रद्द करें। ओ ये कादियानी है, ओ ये कादियानी है, ओ ये कादियानी अकायद का हामिल है जी। मुफ्ती जैनुल आबिदीन
जी किबला मुफ्ती साहब, बिल्कुल आपने जो हवाला जात दिए हैं वो हमने सुने भी हैं। अल्लाह ताला हमें याद रखने और फिर आगे इसके ऊपर काम करने की तौफीक दे। जहाँ तक मिर्जा की बात है, आपने किया वो अब तक और यूट्यूब के ऊपर और दीगर जो इसके पेजेस हैं उसके ऊपर मौजूद है और उसका यकीद है। अब देखें जिस तरह के आपने बड़ी खुली वजाहत कर दी है कि वो कहता है कि यानी अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे खुदा 6 साल की मुझे ज़िंदगी दे दे, आलमोस्ट जो कि एक इंसान की ज़िंदगी हो, तो मैं जन्नत तुझे मिनी खुदा बना दूंगा और उन फयाकून की शानत दूंगा। इसका जो बिलखसूस पहला जुमला है कि मैं तो मिनी खुदा यानी छोटा खुदा बना दूंगा, तो खुदा फारसी का लफ्ज़ है और अरबी में इसका जो माना बनता है वो लफ्ज़ रब के माना बनते हैं। अब जो इसने ये बार बार इसका हवाला आपने पहले भी पेश किया कि इससे किसी ने पूछा कि क्या शोहर को मजाजी खुदा कह सकते हैं, जैसे कि उस्ताद मोहतरम आपने ये गुफ्तगू के अंदर इरशाद भी फरमाया है। जैन साहब एक मिनट, अभी ये मसला मैं हल कर देता हूँ। यार मैंने आपको कहा भी था कि नेट अपना टाइट करें, लड़ाई लड़नी है हमने, बहुत बड़ी लड़ाई है, ये सोशल मीडिया वार है, ये जंग लगी हुई है, यहाँ पे हथियार मजबूत चाहिए। ये देखिए वॉइस, ये है हमारा हथियार, ये वॉइस के जरिए हमने ये जंग जीतनी है। वॉइस अगर क्लियर नहीं पहुंचेगी तो जंग हार जाएंगे। हथियार मजबूत करें। कुरान और सुन्नत के अंदर मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है कि वो जिहाद, जिहादियों को जो लश्कर इस्लाम है उनको अपने हथियार को हमा वक्त तैयार रेडी रखने का हुक्म है, बिल्कुल चाको च बंद रहो। ते अपना नेट नू सेट करो। कौन दोस्त है भाई? कोई एक दोस्त मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब के महाना इंटरनेट का खर्चा उठाएगा? कोई एक बंदा चाहिए तकरीबन। वो जोम की, वो जोम की डिवाइस ले लें, जोम की डिवाइस 4-5-6 हजार रुपए की शायद आनी है, उसके ऊपर महाना पैकेज लगवा लें। वो डिवाइस एक दफा ही आनी है, उसके ऊपर पैकेज पता नहीं 4 हजार रुपए का शायद, 5 हजार रुपए का पैकेज है, तो यानी 4-5 हजार रुपया महाना खर्च है। कौन है भाई? कोई एक बंदा दबो यार, इन्हों का नेट का मसला हल करिए। जी मुफ्ती साहब मैं हाजिर हूं, मेनू पर्सनल जो कांटेक्ट कर। बस ठीक हो गया, बस क्लियर हो, बस इन्नी को गल सी। मजबूत करो अपने यार मामलात नु, मजबूत करो। साडे उलमा ही अगर मजबूत नहीं होंगे ते की करना है इस पैसे नु, ते की करना इन्ना मामलात? उलमा नु लियाओ अगे, उलमा नु मजबूत करो, इन्हां दे मामलात नु हल करो, जेहड़े मामलात इन्हां दे ने क्लियर कर करके इन्हां नु सामने लियाओ। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा 2-4-5 हजार नाल, की फर्क पैंदे ने यार, उलमा नू लियाओ यार। सारे दोस्त अगे मैं गुजारिश करूंगा। जैन साहब देखो सिग्नल ही रेड ने, वो अगे आंदे ही नहीं पे, ते वॉइस जिन्ना तक क्लियर नहीं पहुंचनी गल किंज होएगी। ए जैन साहब की इहदा नाम है, किन्ना टाइम होया? 9 होए ने। तुसी हैलो सुनदे हो पे मेरी गल? सुनदे हो पे? जी मैं सुन रहा हूं मुफ्ती साहब। तुसी हुणे ही निकलो, तुसी हुणे ही निकलो, मैं तुहानू अपने कोलों पैसे भेजना वा, हूं ही जाके तुसी जोंग दी डिवाइस ते ओ लवो, ते हुणे ही नेट दा दुकानां खुलियां होनियां, मुमकिन है ऐसा? जी मैं करता हूं जी, पता करता हूं, अभी करता हूं, फिर जो भी है वे जो क्लियर करो करो। नेट टैट चाहिए, टैटो टैट। ए पहले ज़हन च रख लिया जे के तुहाडे उत्थे कार इहदे सिग्नल आउंदे भी ने कि नहीं, मेहरबानी करो माइक म्यूट करो जी, सही अपनी नप के रख देने, अगले बंदे दी सुनदे नहीं। ते यार मशवरा कर लिया जो डॉक्टर साहब नाल, मुफ्ती साहब किबला साजे मुहतरम सुबह डॉक्टर साहब से मशवरा करके तो कल फाइनल कर लूंगा जी।
क्लियर करो, टैटो टैट चाहिए काम, टैटो टैट बिल्कुल, हथियार मजबूत हमा वक्त हथियार थोड़े अजे टैट होने चाहिए। सोशल मीडिया की वार लड़नी है, फितने बड़े बड़े फितने, यकीन जानो थोड़े जैसे उलमा नहीं आने सामने कख भी नहीं होना। हां नौजवान कुड़िया मुंडे लगे ने स्कूलों कॉलेज के, ते कारोबारी लोग ने बेचारे, उलमा नहीं आने किंज होगी गल अगे टुरनी ने। उलमा ज्यादा तो ज्यादा लियाओ भाई सोशल मीडिया से, उन्होंने मामलात क्लीयर करके उन्होंने सैटअप बना के, और अल्लाह दा फाजले बरेलवी ने इरशाद फरमाया थी ना, वो जो मैंने चलो मैं वीडियो ही चलाता हूँ, वो जामिया खत्मे नबूवत की, उसके अंदर वो है इश्तिहार, ये वीडियो सुने जरा। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता, क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है, और ये फितने सर उठा रहे हैं, और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्मे नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अध्यान और मजाहब की तालीम दी जाएगी, नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़े, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और सकालर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्मे नबूवत की अराजी खरीदनी है, और दो कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है, और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं, और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये जकात निकालने के अयाम है, रजब शबान और रमजान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी जकातें कम से कम जो है ये जामिया खत्मे नबूवत को दें। ये तो जकात तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है, अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान की है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह फाजले बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीम शान मदारस खोलो के जो उम्मते मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह फाजले बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है, और जामिया खत्मे नबूवत बनना चाहिए, और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हजरात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं, और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कंपेन हम चलाएंगे। अच्छा, इसके अंदर वो इश्तिहार आपको नजर आया है अल्लाह फाजले बरेलवी का 10 नकाती एजेंडा, उसमें जरा सुनिएगा। फरमाते हैं अजीम शान मदारस खोले जाए, बाकायदा तालीमें हों, नंबर दो, तुलबा को वजायफ मिले कि ख्वाही ना ख्वाही गर्विदा हों, नंबर तीन, मुदर्रिसों की बेशकरार तनख्वाहें उनकी कार्रवाइयों पर दी जाए, नंबर चार, तबाए तुलबा की जांच हो के जिस काम की ज्यादा मुनासिब देखा जाए मकूल वजीफा देकर इनमें लगाया जाए। आगे मजीद आप पढ़ लें सारे, खुलासा यही है कि उलमा को पहले देखें कि उलमा क्या कर सकते हैं, उनकी फिर अच्छी तनख्वाहें लगा के उनको पैसा दे के उस काम पे लगाओ कि ये काम करें जी आप। तो भाई अभी सोशल मीडिया का दौर है, इन उलमा कराम को सोशल मीडिया की तरफ लेके आए, उनकी तनख्वाहें लगाएं, उनके जो माली मामलात हैं उनको हल। हो जाएगी आपके लिए अजर मिलेगा, एक सदका जारिया आपके हो जाएगा, और उम्मा मुसलमान के अकायद और नजरियात समर जाएंगे। इन उलमा को लगाओ यार इस काम की तरफ, तो मुखय्यर हजरात ये काम किया करें, ये काम आप लोगों ने करने है ना जनाब। लाखों की तादाद में उलमा हैं, बड़े बड़े शाहकार उलमा, बड़े बड़े, लेकिन वो उनके मामलात ही हल नहीं हो रहे, तो वो कैसी आए यहां। अब सोशल मीडिया पे कोई पैसा तो मिलता नहीं है, इस वजह से उलमा इकराम सोशल मीडिया की तरफ आते नहीं है कि भाई यहाँ पे अब क्या जो वक्त हमने यहाँ पे देना है वो अपनी मस्जिद में या मदरसे में लगाए, ताकि कोई हमारा रोजगार भी तो हो सके ना। ये है, अब पेट को खत्म तो नहीं किया जा सकता, वो तो चलने ही चलने। हजूर अलैहि सलाम की एक हदीस भी है कि कुर्बे क्यामत में जो दीन भी है वो भी जर से मालो मता से फैलेगा।
मफहूम है, तो वो दौर है। तो भाई ये काम आप लोग सारी बातें कहने वाली नहीं होती कि भाई आपको कहीं जाए तो फिर ही आपको पता चलना है। और हम तो वो लोग हैं, हमारे पीछे दुश्मन हमारी एक एक चीज को नोट करता है। कादियानी डंडोरा पीड़ना शुरू कर देता है, वेखो मौलवी चंदा, मौलवी चंदा, मौलवी ने दुकान खोल ली, मौलवी खाने खाना पीना, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे हालात के अंदर अब हम इशारे कनाओं के अंदर ही बात कर सकते हैं, और कैसी बात करें। तो उलमा इकराम को लेके आओ यार, सोशल मीडिया के ऊपर लेके आओ, इनके मामलात को हल करके इनको पैसा दें, इनको मंथलियां लगाएं इनकी, बकायदा इनको कहें हम वजीफा देते हैं आपको, आप ये काम करें। तो इस तरह करें आप। तो बहरहाल ये गुफ्तगू होती रहेगी। आसफ आपकी बात करना चाहें तो करें। आसफ भाई उस्मान रिजवी आप बात करें। ओ मैं टिकटॉक ते है मियां के नहीं, ओ मर जो की हो गया जे। जी जी जरूर से टिकटॉक पे आ रहे हैं जी, आप टिकटॉक पे आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। या हो मैं क्या, मैं आप ही तो नहीं लगा हूं, तो सब घुगु घुगु सो गए ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौसी साहब, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है जनाब? ये अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सुने ना सुने, मैं शायद भाई, शायद भाई आपको पता चला है कार्रवाई क्या पड़ी है? नहीं मुफ्ती साहब मैं नहीं आया जी, मुन्नू नहीं जी पता। कल शहादत हुई ने जनाब, 5 शहादत हुई ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक शहादत कबूल करे। ते 5 मेरिया एडियां पे दर पे उड़िया ने टिकटॉक दिया। मैं क्या कोई नहीं, एक आईडी तो ब्लॉक कर, मैं दूजी तो आ जा, दूजी ब्लॉक कर, तीजी तो आ जा, 5 आईडिया गयारी दड़प दड़प दड़प, ये अभी समझ लो 6 आईडी है मेरी। मुफ्ती साहब मैं जेड़ा ना, ए जेड़ी मेरी आईडी है ना, जिद तो हूं आया मैं, ठीक है, एदा मैं थानू आईडी ते पासवर्ड देना। हुने भेजो क्योंकि काम शुरू हो गया है। इना जिन्नी आईडिया ब्लॉक कर सकते ने कर लेन, नो टेंशन, एक तो एक आईडी से आवांगे। मेरी आईडी तो तुसी जिस टाइम मर्जी हो, मैं ना फर्क नहीं पेगा कादियानियो, नवी आईडी तो मैं आवांगा, करो ब्लॉक, किनिया को कर दे टेंशन को। और मैं थोनू कहया सी ना कि मेरा थोड़ा जो मोबाइल दा रफड़े, हां वो मैं वाडा तुहाडा मोबाइल दा नहीं, तुहाडे बड़े बड़े रफड़ ने। नहीं मुफ्ती साहब सीरियसली गल जी, मेरे मोबाइल दा रफड़ सी, ठीक है, ते इंशाल्लाह ताला मैं जेड़ा ना तुहाडे एक फोन दे उत्ते मैं अपनी आईडी लॉगिन करवाना वा। हां करवाओ करवाओ, ठीक है। ए होई जेड़ी मैं आईडी दे उत्ते आना ना पिया, ठीक है, ए मेरी मेन आईडी है, ते सरकार ए तुहाडे वास्ते तुहाडे मोबाइल फोन दे उत्ते भी लॉगिन होएगी इंशाल्लाह। करवा दियो, नो प्रॉब्लम। आदे इधर एदे कुल्ली इख्तियारात मेरे कोल होणगे, तुहाडा विच कोई नहीं होना अमल दखल। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਅਮਾਨਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਈਡੀ ਮਰਦਈਆ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਰਦੇ ਮਸਰੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਨ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਨੇ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਏਡੀ ਢਿੱਲੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਢਿੱਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫੋਰ ਯੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਏ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਖਿੱਚ ਜਾਓ, ਨੱਪ ਦਿਓ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਟੱਪ ਦਿਓ। ਕਾਦਿਆਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੇ, ਕੀ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਤਿੱਲੀ ਕੌਮ, ਤਿੱਲੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਮਾਨ।
बहार अली, बहारे अली कादरी साहब आए ने, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड आ रहा है जी, कॉल काटें, दोबारा कॉल करें, माइक और कैमरा अलाउ करेंगे तो फिर ये डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड नहीं आएगा, फिर आपको मैं उठा सकूंगा कॉल पे। अभी आप वापस जाएं, वापस जाएं, बात आगे बढ़ाएं यार, मैं जस्ट मुझे थोड़ा सा वक्फा चाहिए, मैं आ रहा हूँ। मुफ्ती जैनुल आबिदीन भी बैठे हैं और दीगर दोस्त भी बैठे हैं, अफनान साबिर साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और रही क्या हाल है भाई? मेरा सलाम तमाम मुसलमानों के लिए, कादियानियों गोबर सिंह का मिलकर छोटे बड़े के लानत भेज, लानत बेशुमार, लानत लानत लानत। काजी तुम आईडी का कह रहे थे तो मैं उधर फोन पे आया हूं, मैं कह जी आईडी से कर तो हमें सुबह भी क्या से बंदा है, मैं चीज रहा हूं एक बार खिदमत का मौका दे। नहीं नहीं मैं आज मौका दे छड़े है ना, हुन पर्सनल दे विच मेनू सारे पासवर्ड वगैरह सेंड कर दियो, शुरू हो जाने बस। और समझ मैं ना थले लाइन च ला के रखनिया होंदिया ने आईडिया, समझ आई के नहीं, ते ताकि एक आईडी बंद हो ते दूजी तू आ जाओ, इंज ऐ वे तरीका कर बिलकुल ठीक है, बिलकुल ठीक है। मोर्चे ने साडे महाज ने और बिलकुल टैटो टैट होके काम करना है, बिलकुल ठीक हो गया माशाल्लाह। इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम खिचो बराड नू, ते जैन साहब नू वड्डा करो भाई, जैन साहब नू वड्डा करो, जैन साहब गुफ्तगू करो जी, ते मैं आ रहा थोड़ी देर तक। पार्टी शुरू करो, पार्टी शुरू करो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उस्ताद मोहतरम, असल में आपने आगाज़ में जो गुफ्तगू इरशाद फरमाई थी, जो हमारा आज का उन्वान है, मिर्ज़ा जूनियर का ये कहना कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में अपने बंदों से इरशाद फरमाएगा, या इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि देखो 60 साल की तुम्हारी ज़िंदगी है, तो ये 60 साल ज़िंदगी मेरे हवाले कर दो तो जन्नत में मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। तो ये जो जुमला है, ये जुमला कुफ्रिया है, ये दुनिया जहां के किसी भी दारुल इफ्ता से राबिता कर लिया जाए और इससे मुतालिक पूछ लिया जाए तो इसके ऊपर हुक्मे कुफर ही आता है। इसके बावजूद बड़ी अजीब सी ये बात है कि जो इसके मानने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी और दुनिया में, किसी और स्पेस में रहते हैं, यकीनन वो भी इसी दुनिया के अंदर रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत मर्तबा और दीगर उलमा ने अपने अपने अंदाज और सूरतों में इस मसला की वजाहत को बयान किया है कि ये कहना किसी गैरुल्ला के लिए कि वो खुदा बन गया या खुदा बना दिया या उसको खुदा कहना, ये कुफर है कि खुदा अल्लाह तबारक व ताला के लिए ख़ास है। जब भी लफ्ज़ खुदा बोला जाता है तो इससे अल्लाह सुबहानहु व ताला ही की ज़ात तस्वुर में आती है, तो सो जब भी खुदा कहा जाए तो इससे मुराद अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात होती है। तो खुदा असल में मुफ्ती साहब ये फारसी का लफ्ज़ है, इसका अरबिक माना जो है वो रब के हैं, पालने वाला, तो खुदा के माना भी पालने वाले के ही होते हैं। तो उसने जो ये सूरत बयान की थी कि जब उसे पूछा गया कि ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब वगैरह इलाकों के अंदर बीवी जो है वो अपने शोहर को मजाजी खुदा कहती है, तो इसके बारे में बताएं, तो उसने उस नशिस के अंदर ये कहा था कि बिल्कुल ये शिर्क है, खुदा की कोई किस्म नहीं होती, बस खुदा एक ही है, अल्लाह ताला ही खुदा है। तो इस के ऊपर ये उसकी, मैं समझता हूँ, कम अकली और ये उसकी वाहियात में से एक बहुत बड़ी वाहियात है कि जो
खुदा है उसकी कोई किस्म नहीं होती, खुदा एक ही होता है। मैंने अर्ज किया कि खुदा रब के माना में है, और रब के बारे में आप देख लें बिलखसूस वालदैन के बारे में सूरह असरा के अंदर इरशाद फरमाता है खलाक़े लम यज़ल वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाग़फ़िर लहुमा जनाहा ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो यहाँ पे वालदैन के लिए रब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उसके आगे नी उसकी ज़मीर है रब्बयान, असल में रब्बयान था और उसने तो रब्बयानी हो गया, तो इसका माना ये है मेरे दो पालने वाले, मेरे दो पालने वाले। तो जब वालदैन को अल्लाह ताला ने रब कहा है, बाप भी पालने वाला होता है, माँ भी पालने वाली होती है, तो ये रब है। इसी तरह सूरह यूसुफ के अंदर दिगर मकामात में गैर खुदा के लिए अल्लाह सुबहानहू व ताला ने खुद लफ्ज़ रब इस्तेमाल किया है। तो इस सारी चीज़ का खुलासा यह है कि हकीकी खुदा और मजाजी खुदा का तस्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद है, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो उसका जो जिसका जिक्र मौजूद है कुरान मजीद में और इस्लाम में जिसकी गुंजाइश मौजूद है, उस गुंजाइश को ख़त्म करना ये कुरान मजीद पर बोहतान है। एक आम आदमी पे अगर बोहतान लगाया जाए तो वो बोहतान काबिल जुर्म है और नाकाबिल मुआफ़ी है, और हर कानून के अंदर, हर मुल्क और कंट्री के अंदर जो है वो हतके इज़्ज़त का दावा दायर किया जा सकता है अगर कोई किसी के ऊपर बोहतान लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो ये बहुत बड़ा बोहतान है। कुरान मजीद के ऊपर बोहतान है कि मजाजी खुदा होता ही नहीं है, मजाजी रब होता ही नहीं है। तो फिर क्या माना होगा, अगर मजाजी रब होता ही नहीं है तो क्या कोई पागल इंसान ये कहेगा कि रब्बा यानी सगीरा के अंदर इसका माना यह है कि जैसे अल्लाह हकीकी रब है उस तरह मेरा बाप भी हकीकी रब है, माँ भी हकीकी रब है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने तो यहां पे रब का लफ्ज इरशाद फरमा दिया कि जो दुआ करने वाला है उसको सिखलाया गया और हुक्म दिया गया कि तुम इस तरह दुआ करो, रब रहमानी, अल्लाह इन दोनों पे यूं रहमत फरमा जिस तरह के इन दोनों मेरे पालने वालों ने मुझ पे रहम किया, कि मेरे रबों ने मेरे पर रहम किया। सलाम ने वो जो दो बंदूक था तो उसमें से एक को ये कहा था कि मैंने ये देखा है कि तुम अपने रब के अंगूर यानी शराब निचोड़े हो। तो रब के मालने वाले जो होता है, किम जो होता है वो भी आला होता है, अपनी रियाया की कफालत होता है, और उसको भी रब का को भी, आपको भी रब का। तो आप ये तकसीम ना करेंगे तो कुरान मजीद का इनकार लाजिम आएगा, कुरान के ऊपर बोहतान लाजिम आएगा, और ये कुरान के ऊपर इल्जाम है बहुत बड़ा। तो कोई कादियानी या सीनियर मिर्जा हो या जूनियर मिर्जा हो और इनके जो मानने वाले हैं, ये ऐसी हालत दी है कि ये निगल ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो अर्ज की ये ऊपर इल्जाम है, आम आदमी इल्जाम लगाने वाला फासिक और अजीर होता है। तो कुरान इल्जाम लग तालीम इस्लाम पे जो लगा है, जो सुबहाना व ताला की जात इल्जाम है, जाजी रब होता ही नहीं है, मजाजी खुदा होता ही नहीं है, जाजी खुदा जिसने उसने शिर्क कहा, उसने शिर्क किया, खवातीन अपने शोहर को मजाजी खुद कह करती हैं, ये मुशरिक है। तो मैंने कह दिया आगे आने वाले हैं, तरबियत करने के हैं, उस्ताद क्या कहते हैं कि जो सिन मुरब्बी होता है, मुरब्बी कितना है, मेरी तरबियत करने वाला मोहसिन और मेरी तरबियत करने वाला। तो मुरब्बी रब क्या ना क्या रब होते करने वाले कहते हैं।
तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर बोहतान और कुरान मजीद के ऊपर इल्ज़ाम है। क्या वजह है कि किसी आदमी पे वो नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म करार पाता है और अगर कुरान मजीद के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो उसकी कोई वजह नहीं होती? ये सरी जुल्म है और कुरान के ऊपर इल्ज़ाम और किस बयानी है और बोहतान है और ये नाकाबिल मुआफ़ी है। और दूसरी बात कि मिनी खुदा कहना जैसे आपने इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर, इसी तरह बड़ा खुदा या छोटा खुदा? तो खुदा तो एक ही है, बड़ा और छोटे का तो तसव्वुर ही कोई नहीं है। हाँ मजाजी कर दिया और जिसका तसव्वुर ही नहीं है उसको दाखिल कर लिया। अब एक और इसके ऊपर मुसीबत आ गई कि जिसकी गुंजाइश ही नहीं उसका ये इकरार कर रहा है, उसका ये प्रचार कर रहा है और अभी तक उसको जो है वो अपने ये पेज के ऊपर उसको रखा हुआ है और उसके ऊपर वो डटा हुआ है। तो ये सरीहन कुफर है। जो भी ये कुफर सुनने के बाद इसको तस्लीम करता है, इस तकरीर को करता है, इस जुमले को करता है और इसका वोटर है या सपोर्टर है या फॉलोअर है कोई भी है, वो इसके जुर्म के अंदर शरीक है, वो इसके जुर्म के अंदर शरीक है। जितना बड़ा ये मुजरिम है उतना ही बड़ा उसका वोटर और सपोर्टर भी और फॉलोअर भी उतना ही बड़ा उसका वो मुजरिम होगा। तो अल्लाह सुबहाना व ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमा दिया कि रब जुल जलाल एक ही अल्लाह, उसके सिवा कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पे इसको मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर बयान किया गया, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहू, कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उसके। तो लिहाजा एक बात तो ये हुई कि शिर्क है। दूसरी बात मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अनकबूत में आयत नंबर है 41 है, अल्लाह ताला एक मिसाल देता है, बुत प्रस्तों की मिसाल देता है, मसलुल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिल्लाही औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता। फरमाया कि बुत प्रस्तों की मिसाल ऐसे है जैसे का मसलिल अनकबूत, जिस तरह के मकड़ी और मकड़ी का जाला। मकड़ी क्या, इत्तख़ज़त बैता, वो अपना घर बनाती है। वह इन्ना औहनल बुयूती लबैतुल अनकबूत, और बेशक सब घरों में कमजोर तरीन बोदा और जल्दी खत्म और फना होने वाला घर मकड़ी का घर है। लौकानु यालमून, अगर वो समझे, अगर लोग जानते और वो जानने की कोशिश करें तो सबसे कमजोर तरीन घर मकड़ी का घर है। अब यहां पे एक बात तो ये कि मकड़ी का घर जिसको कमजोर करार दिया गया है, इसका माना यह है कि ये आपको सर्दी से नहीं बचा सकता। अगर एक महीना मुसलसल मकड़ी, बल्कि साल, बल्कि एक सदी, बल्कि 50 सदियां भी अगर जाला बुनती रहें, जाला बुनती रहें और एक मजबूत तरीन अपनी तरफ से वो एक छत बना लें, सदियां लगा दें वो जाला बनाते हुए, मगर एक हवा का झोंका चलेगा, ये इस कदर कमजोर है। सदियों जिसके ऊपर वर्क किया गया, सदियों जिस पर काम किया गया, सदियों को मजबूत किया, उस घर की कैफियत ये है कि अब एक हवा का झोंका है तो सदियों जिसके ऊपर वर्क किया, मेहनत की गई और दिनात कर मकड़ियां, मकड़े एक जाला कर एक छत बनाया था, एक कहा है कि हवा का झोंका उसके ऊपर देता है, उस तबाह देता है, कर देता है। वह इन्ना औहनल बुयूत अनकबूत, एक माना इतना कमजोर है, ये हल्की सी बारिश की चंद बूंदों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने यह आयत मुबारक इस वजह से पढ़ी है कि यह आयत मुबारक मिर्जा और मिर्जा की अकेडमी पे बिल्कुल 100% साबित होती है। इसका जो इंतिबाक है, ये आयत मुबारक का जो इंतिबाक है वो मिर्जा की वो छोटी सी जो बनाई हुई अकेडमी है, नाम निहाद अकेडमी, कल अदम जो अकेडमी है, जहां पे कुरान मजीद पे बोहतान बांधा जाता है, जहां इस्लाम पे बोहतान बांधा जाता है, जहां रब्बे जुल जलाल की जात पे बोहतान बांधा जाता है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे बोहतान बांधा जाता है, जहां अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर बोहतान जाता है, जहां उलमा पे
पुतिन पे उला या अगवास पे अख्ताब होता अल्लाह के बंदों पे जहां पे इल्जाम बांधा जाता है तान लगाया जाता है। उस एकेडमी की मिसाल एक तारे अनकबू जैसी है, मकड़ी के बनाए हुए बोधे घर, कमजोर तरीन घर जैसी उसकी एक मिसाल है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, वो के जोर है के ताकतवर के मजबूत, तो अल्लाह की इज्जत की कसम बात करता है यहां पे ये खुलता हूं कि अगर किसी ने ये करना हो ये देखो कि उसकी जो बनाई हुई नाम निहाद जो एकेडमी है वो कितनी मजबूत है या कमजोर है, तो कुछ ना किया जाए, वहां पे बलडोजर ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ उस एकेडमी के जो मामार हैं, उस एकेडमी को जो चलाने वाले हैं, उस एकेडमी के जो सरपरस्त हैं, जाहिरी सरपरस्त हों या खुफिया सरपरस्त हों, पाँव में नायलोन का चप्पल पहनने वाले हों या फिर बूट कसने वाले और हाथ में सोटी पकड़ने वाला कोई भी है, अगर तुमने ये देखना है कि उसकी एकेडमी की हैसियत क्या है और वक़्त क्या है जहां पे बैठ के वो अल्लाह उसके रसूल और अंबिया और औलिया पर बोहतान बांधता है, कुरान मजीद पे जहां पे वो बोहतान बांधता है, मनमाही कुरान की आयात तजयबात की तशरीह करता है, अगर कोई देखना चाहता है तो सिर्फ एक काम करो और वो काम है कि उसकी अकेडमी में जाके मुफ्ती सैयद मुबशर रजा शाह साहब का नाम ले लो। ये ऐसा आपको हथो थोड़ा है इनके सर पर कि इनको मालूम हो जाएगा जो देखने वाले हैं, जो पालने वाले हैं, जो परवरिश करने वाले हैं, जो इसके वोटर हैं और सपोर्टर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, वो उनकी उनकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे नहीं वो किबला उस्ताद मोहतरम की जो आइडियाँ वो बैन करते और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की और जो दिफाए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के लिए जो हाजिर रहते हैं, ऐसे नहीं उनको ये तंग कर। मुफ्ती साहब आपकी आवाज कट रही है ना। आपकी आवाज कट रही है मुफ्ती साहब। यार प्लीज नीचे जितने बैठे हो यार प्लीज कम से कम अगर सुनना चाहते हो तो प्लीज इस ब्रॉड को चलाने के लिए कम से कम डबल टैप तो करते रहा करें यार, इसलिए मुफ्ती साहब कह रहे थे बस सुनना ही है इधर आके। अच्छा जी तुसी की गल करनी है जी, तुसी की सुनाना है, सुनाओ थानू कोई सवाल। पहले तो अपनी जस्टिफिकेशन दे चलो, ये जस्टिफिकेशन दे चलो के मसाल दी है ना मकड़ी के घर की। जस्टिफिकेशन प्लीज के तुसी वड्डे मिर्ज़े नु की समझ लियो। जस्टिफिकेशन नहीं जो इथे गल हो रही मैं ओंदी गल ते गल करांगा, मैं जस्टिफिकेशन की अपनी जस्टिफिकेशन दियो ना कि तुसी वड्डे मिर्ज़े कादियानी लानती कंजीर नु की समझ लियो। सर मैं उन्हां नु नहीं जानदा इथे जो इस टाइम मसाल दीती ना मुफ्ती साहब ने, मैं ओंदे मुतलक गल करना आया हां। पहली जिन्नी देर तक तेरा पता नहीं ना चलेगा तू है कौन है, ओदे तो बाद पहले ओदे तो बाद पहले गल ही नहीं। ओ मेरे भरा ए मुफ्ती एडा वड्डा तुसी बिठाया ए इन्ने तन्नू मसाल दीती एक, मैं ओ मसाल दी एडा वड्डा मैं असल मसाल इथे मैं भी बैठा दवां, इथे मैं भी बैठा दवां, ठीक है मैं भी सुनना पया अन्नी दियो बच्चो पहले अपना पता ते दसो तुसी है कौन हो। एक शवान है तेरा चवाल, असि इथे अंब बेचण बैठे दे माशाल्लाह बंदे बह के थले ना ते अपना काम करन लग पैंदे ने या ते ब्रॉड नूं चलाउण वास्ते डबल टैप करदे रहिया करो, ठीक है गिफ्टिंग ना भी करो सानू गिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट कम से कम बैठे दे मुसलमान होने का कम से कम तुसी दे छड़े करो तो सानू डबल टैप दे कोई पैसे नहीं लभने। बस एहो ही ते गल्लां ने, बस अपनी कौम भी ते साडी ढिल्ली कौम है ना, इन्हां नू क्या डबल टैप दे नाल बराड़ जिहड़ी उत्ते जांदी है। हाँ जी ते ओ जिहड़े एरर उरर हुंदे ने जां कोई रिपोर्टिंग हुंदी है ओ ज़ाइल हो जांदी है।